नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन बांग्लादेश की टीम ने अपने पहले दिन के 107 रनों पर 3 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर मोमिनुल हक 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही मुशफिकुर रहीम 6 रनों पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। और फिर इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे और तीसरे दिन के बारिश में धुल जाने के बाद इस चौथे दिन फिर एक बार मुकाबला शुरू हुआ और दोनों ही बांग्लादेश के बल्लेबाज मैदान में उतरे। लेकिन इस चौथे दिन बांग्लादेश की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और बल्लेबाजी कर रहे मुशफिकुर रहीम को इस चौथे दिन के शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मुशफिकुर रहीम 32 गेंद में बस 11 ही रन बना पाए। बांग्लादेश की टीम के इस बड़े विकेट के जल्दी गिरने के बाद अब लिटन दास मैदान में उतरे थे और फिर लिटन दास के साथ मिलकर सेट हो चुके मोमिनुल हक ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी अब भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार कर रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए मोहम्मद सिराज ने नए बल्लेबाज लिटन दास को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। लिटन दास 30 गेंद में 13 रन बना पाए। रोहित शर्मा ने एक लाजवाब कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए शाकिब अल हसन मैदान में उतरे थे लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके मोमिनुल हक अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। शाकिब अल हसन के साथ मिलकर फिर एक बार मोमिनुल हक ने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने शाकिब अल हसन को भी मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। शाकिब अल हसन 17 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके मोमिनुल हक की बल्लेबाजी का जवाब भारतीय गेंदबाजी के पास नहीं था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मेहंदी हसन मिराज के साथ मिलकर मोमिनुल हक ने बांग्लादेश के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया और इस मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा करके दिखाया। मोमिनुल हक और मेहंदी हसन मिराज की यह साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 224 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके मेहंदी हसन मिराज को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। मेहंदी हसन मिराज 42 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए तो वही जसप्रीत बुमराह यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए तैजुल इस्लाम को भी जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तैजुल इस्लाम इस मुकाबले में सिर्फ 5 ही रन बना पाए। बांग्लादेश के पास अब बस 2 ही विकेट बचे थे। एक छोर पर मोमिनुल हक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनका साथ देने हसन महमूद मैदान में उतरे थे लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने हसन महमूद को LBW आउट कर दिया। हसन महमूद 4 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए और अंत में बल्लेबाजी के लिए आए खालिद अहमद को रविंद्र जडेजा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 300वां शिकार बनाया और इसी के साथ बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर ही रुक गई। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 233 रनों के पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही अद्भुत बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने पूरे मैदान को हैरान कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 3 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था तो वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपने इस पारी की पहले 2 गेंदों पर 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। दोनों की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही बांग्लादेश के कप्तान को दबाव में डाल दिया था। कोई भी बांग्लादेश का गेंदबाज भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को नहीं रोक पा रहा था। देखते ही देखते केवल 3 ही ओवर में भारतीय टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 11 गेंदों में 23 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे लेकिन दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं रुक रहा था। वह लगातार बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने केवल 31 गेंद में अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर दिया। पूरी बांग्लादेश की गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी रुकने को तैयार नहीं थी।
यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच भी अब एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, जिसने बांग्लादेश की गेंदबाजी को और भी ज्यादा दबाव में डाल दिया था। भारतीय बल्लेबाजी ने अपने बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था, खास करके यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। इसी बीच यशस्वी जायसवाल की शुभमन गिल के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। अब सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल की तरफ थी, क्योंकि अब वह तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए हसन महमूद ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 51 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल भले ही अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के लिए गजब की पारी खेल के दिखाई थी। अब यशस्वी जायसवाल के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके शुभमन गिल उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए शाकिब अल हसन ने शुभमन गिल को हसन महमूद के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 36 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन भारतीय टीम की रन गति रुक नहीं रही थी। विकेट गिरने के बाद अब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को भी शाकिब अल हसन ने हसन महमूद के ही हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों के गजब के प्रदर्शन ने बांग्लादेश को पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब भारतीय टीम के 4 बड़े विकेट निकालकर बांग्लादेश की गेंदबाजी अपने फॉर्म में वापसी कर चुकी थी। अब मैदान पर केएल राहुल उतरे थे और फिर यहां से मुकाबले में वापसी कर रहे बांग्लादेश की गेंदबाजी के ऊपर विराट कोहली और केएल राहुल ने फिर एक बार पलटवार करके दिखाया और एक मजबूत साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी। विराट कोहली इस मुकाबले में एक गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही उनका साथ दे रहे केएल राहुल भी लगातार बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। देखते ही देखते दबाव पूरी तरह भारतीय टीम से हटकर बांग्लादेश की गेंदबाजी पर फिर एक बार आ चुका था। दोनों की अब 50 रनों की एक लाजवाब साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों की इस गजब की बल्लेबाजी ने फिर एक बार भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अपने अर्धशतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे और फिर शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने पहले अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को इसी बीच शाकिब अल हसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 35 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी तेजी से रन बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवाया और रविंद्र जडेजा को मेहंदी हसन में राज ने नजमुल हुसैन शांतो के हाथ कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन को भी शाकिब अल हसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में बस एक ही रन बना पाए। अब भारतीय कप्तान कभी भी भारतीय टीम की इस पारी को डिक्लेयर कर सकते थे। अब बल्लेबाजी के लिए आकाशदीप मैदान में उतरे थे और आकाशदीप ने भी आते ही 2 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को मेहंदी हसन मिराज ने लिटन दास के हाथों स्टंप आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 43 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। अब केएल राहुल के बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे आकाशदीप को भी इसी बीच मेहंदी हसन मिराज ने खालिद अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को यहीं पर डिक्लेयर कर दिया। भारतीय टीम ने 52 रनों की बढ़त अब बांग्लादेश की टीम के ऊपर बना ली है। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 52 रनों की बढ़त का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शादमान इस्लाम और जाकिर हसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल रहने वाला था और ऐसा ही भारतीय गेंदबाजी ने करके भी दिखाया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी को बांग्लादेश के इन 2 बल्लेबाजों ने विकेट लेने से रोके रखा। भारतीय गेंदबाजी ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के सामने बनाई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके जाकिर हसन को LBW आउट कर दिया। जाकिर हसन इस मुकाबले में 15 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए।
बांग्लादेश की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हसन महमूद को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन हसन महमूद को भी रविचंद्रन अश्विन ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 10वें ओवर में हसन महमूद को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हसन महमूद इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब बांग्लादेश के 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोमिनुल हक मैदान में उतरे थे और फिर यहां से शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक ने बांग्लादेश का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और इस 4थे दिन के अंत तक बांग्लादेश की टीम ने 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर अभी भी 26 रनों से बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के पहले पारी से पीछे है। लेकिन दोस्तों, इस 4थे दिन हमें भारतीय टीम से लाजवाब खेल देखने को मिला, जहां पर बारिश की वजह से 2 दिन जाया होने के बाद भी अभी भी भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत की उम्मीद जगाई रखी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, खास करके यशस्वी जायसवाल ने मैदान में उतरते ही भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई और केवल 51 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।